सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम डिस्कस करेंगे कक्षा आठवीं के लिए सत्र 2022-23। 60 नंबर का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें जो है 3 सेक्शंस में इसको बांटा गया है, ए बी सी। सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बी के अंदर छोटे क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स हैं, और सी के अंदर आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जिसमें पैराग्राफ वगैरह होता है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ आपको आंसर्स सुनने हैं मेरे से, ध्यान से इस वीडियो को बार बार आप सुनोगे तो आपको आंसर्स वैसे ही याद हो जाएंगे। पहला है हमारा, हेजा एक डैश के कारण होता है, कॉलरा इज कॉज्ड बाय ए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण, इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, जीवाणु। शकरा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो क्योंकि जो शकरा क्या होती है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो नहीं सकता, हम कहेंगे ये गलत है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉल्स। इसी में एक अथवा में है, मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है। तो यहाँ पे मलेरिया जो है हमारा प्रोटोजोआ से होता है, इसमें खुद ही लिखा हुआ है, इसका वाहक लिखना है हमने, मतलब इसका जो है वेक्टर या कैरियर कह सकते हैं हम, तो वो हमारा मस्किटो होता है। लेकिन आपको पूरा नाम लिखना है इसमें, वो होता है आपका फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कहा कि इनको आपको सुनना है, मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ एनोफिलिस की, तो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इसके अंदर लिखना है। तीसरे प्रश्न पे, यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गति के विपरीत अगर हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु की गति, यहाँ पे विपरीत बल कौन सा होगा, घर्षण बल होगा। तो उससे क्या होगा, वस्तु की जो गति है वो कम हो जाएगी, घर्षण बल जो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये इसका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, वातावरण को परिभाषित कीजिए, एटमोसफेयर जो है उसको हमने परिभाषित करना है, डिफाइन एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर क्या होता है कि इट इज़ ए एनवलप ऑफ गैसेस, मतलब जो है हमारे आसपास जो है वातावरण है वो एनवलप है किसका, गैसेस का, ठीक है ना। और हम इसको ले सकते हैं कि वातावरण वह होता है जिसमें जो है हवा का एक पूरा घेरा हमारे आसपास बना हुआ है, इसीलिए इसको हम हिंदी में वायुमंडल भी कहते हैं, वायु का मंडल। ये चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है जिसके कारण जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है इसके अंदर। और वस्तुओं में भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो इसके अंदर भी जो है कोई भी चीज़ हम उठा रहे हैं तो उसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो दोनों क्योंकि सेम उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम है, चाहे और में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो। उसके अंदर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं, और इसमें जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमें चीज़ें जो है वो हैवी महसूस होती हैं। पाँचवा प्रश्न है, सोनार्स धातुओं का वह गुण जिससे वे डैश उत्पन्न करते हैं। तो सोनार्स धातुओं का गुण क्या उत्पन्न करेंगे, वो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या यू कैन से साउंड उत्पन्न करते हैं। नेम एनी टू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत के कुचालक हैं। मेटल्स बताने, ये ध्यान रखना, नॉन मेटल्स तो हमें पता है होते ही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेड, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, और मरकरी Hg। तो इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। अगला है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है असल में क्या होता है, जिंक से जो है कम अभिक्रियाशील होता है। दैट मीन्स कि हमने इसको पढ़ा हुआ है कि जो धातु जो है दूसरी धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वही उसको वहाँ से जो है बाहर निकालेगी। लेकिन यहाँ तो कॉपर जो है जिंक से कम है, तो इसलिए जो है वो उसको निष्कासित नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हमें नेचर की बात करनी है तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो जो है आपके लिटमस पत्र के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्षारक होते हैं, या यू कैन से बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो सब अम्लीय होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नौवे पे। एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं, फोर्स एज बोथ। तो हमें फोर्स की परिभाषा लिखनी है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स की परिभाषा क्या होती है। उसमें एक पुल होगा और एक पुश होगा, मतलब उसमें हम खींचेंगे या धक्का देंगे, खिंचाव होता है या
धकेलना होता है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. अगर जो है बल लगाया गया वो वस्तु की दिशा में, यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कम होगी या ज़्यादा. अब जिस दिशा में चल रहा है उसी तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, सही है गलत, वस्तु की गति कम हो जाती है. कम कैसे हो जाएगी, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में मैंने बल लगा दिया तो ये मेरा क्या होगा आंसर, इसका ट्रू एंड फॉल्स में गलत लिखा हुआ है, उसकी गति जो है बढ़ जाएगी ना कि कम होगी. रस्साकशी में पक्ष ए 10 न्यूटन बल लगाता है और पक्ष बी 8 न्यूटन बल लगाता है, रस्साकशी किस तरफ घूमेगी. अब क्योंकि एक ए वाले 10 न्यूटन लगा रहे हैं और बी वाले जो है वो 8, तो दो 10 वाले हैं वो 8 वालों को अपनी तरफ खींच लेंगे. जैसे ए और बी है तो ये सारे खींचकर जो है ए की तरफ आ जाएंगे. डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन एयर. क्या जो है घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? बिल्कुल करता है. आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकोगे तो उसके ऊपर वायु का घर्षण बल लगेगा, तो हम कहेंगे यस इट वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन एयर ऑल्सो. सेक्शन बी पे आ गए अब हम, 2 नंबर के प्रश्न है और लॉन्ग आंसर्स भी इसमें आएंगे हमारे. तो पहला प्रश्न देख लेते हैं. लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर ईच. हमें इनके नाम लिखने हैं यहाँ पे. तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारा, ब्रेड मोल्ड, या हम कह सकते हैं राइजोबस. ठीक है, ब्रेड फफूंद जिसको हम कह सकते हैं इसके अंदर. और ये हमारा क्या है, पैरामीशियम. इसी में अथवा में दे रखा गिवन एग्जांपल ऑफ वन एंटीबायोटिक एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इट. एक प्रतिजैविक का उदाहरण देना है और उसको उत्पन्न करने वाले जीवाणु का भी नाम लिखना है. तो यहाँ पे अगर हम नाम देना चाहें किसी का भी तो दवाई का नाम हो सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन. और किससे उत्पन्न की जाती है, पेनिसिलिन. तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं अथवा वाले का. अगला प्रश्न है, अगर आपने बाजार से 1 लीटर दूध लिया और उसे अपने घर पर पाश्चराइज करना है, आप उसको कैसे करेंगे. अब पाश्चराइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें 2-3 स्टेप होते हैं, वो हमें ध्यान से सुनने हैं. तो सबसे पहले अगर मेरे को जो है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क करना है तो मैं उसको क्या करूँगा, पहले 145 फ़ारेनहाइट के ऊपर, ठीक है ना, और उसके अंदर करके मैं उसको बॉयल करूँगा. तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको फिर जो है मैंने क्या करना है, दूसरे कंटेनर में डाल के उसके साइड में आइस रखनी है और उसको जब तक कि वो 40 फ़ारेनहाइट पे नहीं आ जाता है तब तक रखना है. तो सबसे पहले दूध को जो है एक पात्र में रखकर बड़े जाल में हम उसको एक सौ पहले उबाल लेंगे और फिर उसको दूसरे पात्र में डालकर उसके साइड में जो है बर्फ़ लगाकर उसको ठंडा करना है. एकदम से कूलिंग की जाती है तो जिससे उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इस तरह का दूध हमारा जो है थोड़े लंबे समय तक फिर ख़राब नहीं होता है. अगला है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, गिव टू एग्जांपल. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक दूसरे से बातचीत. संक्रामक रोग, एक से दूसरे में होने वाले रोगों को कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग कहा जाता है. इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे आसान एग्जांपल है आपका टीबी है, अभी जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह चल रहा है, जुकाम जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना. जनरली क्या होता है कि जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं वो संक्रामक रोग के अंदर आती हैं. कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, वो आपको पता है विज्ञान में हर जगह होते हैं. चौथा प्रश्न है, अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो क्या पाते हैं, कुछ दिनों बाद वह ख़राब हो जाता है, समझाइए क्यों. इफ़ यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एट योर होम देन यू फाइंड आफ्टर सम डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड, एक्सप्लेन व्हाई. तो एल्यूमिनियम जो है हमारी धातु हो गई और अगर मैं उसमें अचार को रखूँगा तो वो क्या है, अम्लीय है, तो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, इस कारण से जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो खाने लायक भी नहीं होता और उसमें विषैले पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. पहाड़ी की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों को नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्यों. अब क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब जो है धीरे धीरे कम हो जाता है और जो हमारे रक्त वाहिकाओं में जो खून बह रहा है उनका दाब अधिक होता है,
तो इसलिए जो है कई बार नाक से जो है वो वाहिका फटने के कारण जो है खून आ जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम ऊंचाई पे जाएंगे धीरे धीरे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है और हमारी जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनके अंदर खून जो है उसी दाब से जो है फिर भी जा रहा है, तो इसलिए जो है कई बार हमारी रक्त वाहिकाएँ नाक की जो है वो थोड़ी सी पतली होती हैं तो फट जाता है और वो खून आता है। उसके बाद दूसरा है, नुकीले कील को कुंद की तुलना में लकड़ी से में ठोकना आसान क्यों है। अब नुकीली भाग जो होता है, जैसे अगर हम कील को देखें तो इस तरह से कील, तो इस भाग से अगर मैं उसको लकड़ी के अंदर ठोकूंगा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि जो नुकीला भाग है उसमें जो है कुंद की जगह यहाँ पर जो है क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा इस हिस्से पे, लेकिन यहाँ पर जो है क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं इस साइड से इसको हथौड़ा मारता हूँ तो ये आसानी से जो है उसके अंदर चली जाएगी। तो आप प्रेशर और दाब वाली बात करेंगे, बिकॉज द इफ़ द पी इज इक्वल टू एफ ए होता आपका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो, कि फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और फोर्स जो है हमेशा प्रेशर के बराबर होती है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अगला है छठा प्रश्न, किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति को उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु की गति को स्थिति में धक्का खींचना, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय पुश और पुल। मतलब हमने इसके उदाहरण देने कि किस तरह से हम किसी वस्तु को धक्का देकर या खींच कर उसकी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। तो अगर मैं जो है किसी एक ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है तो वहाँ पे जो है दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर मैं जो है एक तार के ऊपर जो है कोई चीज़ लटका रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये होगा। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। वाई इज़ इट कम्फर्टेबल टू लिफ्ट ए स्कूल बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स देन द थिन स्ट्रैप्स। तो बड़ी जो है उसके अनुसार जो है बैग को उठाना आसान क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा प्रेशर वाली बात आएगी कि जब क्योंकि जो बड़ी पट्टी वाले जो बैग के वो होते हैं कंधे में टांगने के, बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स जो फील होगी हमें, प्रेशर जो फील होगा बैग का वेट का वो कम फील होगा। अगर पतली होंगी तो वो चुभेंगी। तो ये चीज़ जो है ब्रॉड स्ट्रिप्स जो है हमें प्रोवाइड करती हैं लार्जर एरिया विच हेल्प्स इन टू रिड्यूस द प्रेशर। चौड़ी पट्टी का बैग जो है उसका सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब हमें कम महसूस होगा। सातवां है, हम वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं। अब हमारे जो अभी हमने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे रुधिर जो ऑक्सीजन में जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो अगर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा या कम होगा जितना हमारे शरीर के अंदर दाब है उससे, तो फिर हमें महसूस होगा। तो अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे या निचाई की तरफ जाएंगे तो दोनों स्थितियों में जो है हमें जो है दाब महसूस होगा। दबाव कैसे अलग बदलेगा अगर बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए। तो अगर हम जो है ये कह रहा है कि फोर्स को हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, और जो है एरिया जो है बढ़ा दिया, ठीक है, फोर्स हमारी सेम है, एरिया को मैंने जो है डबल कर दिया। तो अगर मैं एरिया को डबल करूँगा तो क्योंकि ये जो है वक्रोनापाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर मेरा जो है कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दुगना कर दिया, क्षेत्रफल मेरा सेम है और फोर्स बढ़ा दी मैंने, तो यहाँ पे P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के। तो अगर F बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, तो दूसरे केस में मेरा जो है प्रेशर बढ़ेगा, पहले केस में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आठवां प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, इनमें बीमारियों के साथ में हमें इसको मैच करना है। निमोनिया जो है किससे होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। कफ जो खांसी जुकाम हमें हो रहा है वो भी बैक्टीरिया जनित है। एड्स जो है वायरस से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए किया जाता है। द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से बनी होती हैं। कॉपर एल्युमिनियम जिंक को उसके लवण के विलयन से में से विस्थापित नहीं कर सकता, और सोडियम और पोटेशियम की को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है अथवा। तो यहाँ पर हमें इनके कारण बताने हैं। तो पहला हमारा क्या है, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्युमिनियम फॉइल को हम क्यों यूज़ करते हैं, खाना को जो है पैक करने के लिए, जैसे हम रोटियां लपेट कर उसके अंदर लेके आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी जो
किरणें हैं इसके ऊपर गिरेंगी, तो अंदर की जो एल्युमिनियम हीट होती है, एल्युमिनियम फॉयल, उसको बाहर रेडिएट नहीं होने देती, जिससे कि खाना उसके अंदर जो है लंबे समय तक गर्म रहता है, ठीक है ना। इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस, क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो है वो इमर्शन रोड जो है मेटल्स की बनी होती हैं। कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा जिंक को, ये हमने भी ऊपर भी डिस्कस किया था, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक। और सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो क्यों उनको स्टोर किया जाता है कैरोसिन के अंदर? क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील है, दे आर हाईली रिएक्टिव, इस कारण से जो है अगर हम उनको वैसे रखेंगे तो अब इन्वायरमेंट में एयर के साथ अभिक्रिया करके जो है आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हम जो है उनको स्टोर कर रखते हैं कैरोसिन के अंदर। उसके बाद एक और मैच द कॉलम है आपका, कॉलम ए विद कॉलम बी, तो इसके अंदर हमें बताना है कि कॉपर का यूज़ किस में करेंगे हम? बिजली के तार बनाने में, तो इलेक्ट्रिक वायर बी। उसके बाद जो है सिल्वर ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये मेरा बेसिक है, HNO3 जो है मेरा एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड। सल्फर क्या है? मेरा नॉन मेटल है। और आयरन क्या हो गया? मेरा हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होता है। प्रश्न 10 पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। अगर इनके ऊपर हमें ये बताना है कि कौन सा बल कार्य कर रहा है और इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, तो हमें एजेंट एक्सट्रैक्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, तो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो लेमन पीस, ठीक है ना, तो स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस, नींबू का एक टुकड़ा उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस, तो बल जो है उंगलियों द्वारा जो है किस पे लग रहा है? नींबू के ऊपर। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट, तो फोर्स कहाँ पे लगाई थी हमने? टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसमें से पेस्ट निकल रहा है। थर्ड गया ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट इज अनदर एंड इज ऑन हुक फिक्स्ड ऑन वॉल, तो यहाँ पे जो है गुरुत्व बल के कारण जो है फोर्स जो है ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, और इस कारण से जो है आपकी स्प्रिंग या वो जो वायर है वो नीचे की तरफ लटक जाएगी। तो यहाँ पे हमें उनकी स्थिति बतानी है कि क्या हो रहा है बल के प्रभाव से। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11, एक बल के लगने के लिए कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए, तो यहाँ पे बल के लगने के लिए एटलीस्ट जो है दो तो होने ही चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये भी जैसे आपने अलग अलग पढ़े होंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे से टच करें, वो अलग स्थिति आ जाती है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले, टू हो गया हमारा। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन ऑन ए बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, वट विल बी द टोटल फोर्स अप्लाइड। अब एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जब भी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो दे विल एड अप, तो टोटल हो जाएगा हमारा 6 न्यूटन। डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन एयर, अब जो है क्योंकि फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो इसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब क्योंकि आपस में जो है बल तो होता ही है, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो है ये अपोजिट होता है, जहाँ पर भी आपकी गति होगी उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो घर्षण बल कहलाएगा। सेक्शन सी में आगे इसमें आपका पैराग्राफ दे रखा है, उसके आधार पे हमें जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूक्ष्म जीवी हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होते हैं, जीवाणु मृत पौधों और जानवरों को क्षय कर कारण बनते हैं, जो कि वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, बैक्टीरिया का उपयोग सिरका दही पनीर आदि के उत्पादन में किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग सिवरेज निपटान सहित किया जाता है, अन्य सूक्ष्म जीवी जैसे कि विषाणु कवक ईस्ट आदि का उपयोग मूल्यवान चिकित्सा कृषि और औद्योगिक उत्पादों में उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक बेवरेजेस में अल्कोहल और बेकिंग उत्पाद में उपयोग। तो इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला है द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कोल्ड, इनमें हम लिखेंगे सेप्रोट्रॉप्स। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स जो है इसके अंदर हमारा आ जाएगा राइजोबियम। दूध से दही और पनीर का उत्पादन किस जीवाणु द्वारा होता है, ये क्या कहलाता है? तो लैक्टोबैसिलस आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है हमारा द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ब्रिवरीज, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे ईस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, क्या कुछ सूक्ष्मजीवी महार्जीवन पर्यावरण के लिए और मनुष्य पेड़ पौधों तथा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है? सूक्ष्मजीवी, तो वो पहले हमने फायदे देखे थे, अब इसमें नुकसान की बात की गई है। पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, हम सीधे प्रश्न उत्तरों पर चल लेते हैं। पहला है द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज आर कोल्ड, तो जब भी डिजीज की बात आए तो रोगजनक पैथोजेंस, कौन सा एक संक्रामक रोग है और जो सूक्ष्मजीव कारण होता है? तो संक्रामक रोग जो है एक से दूसरे में, जो अभी हमने पढ़ी थी टीबी की बात थी, तपेदिक, क्षय रोग, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस, इनमें से वायरस से होने वाली बीमारी जो है हेपेटाइटिस है आपकी, जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम कहते हैं, द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग ओनली वेन इनसाइड द होस्ट, तो वो हमारा वायरस होता है। तो क्योंकि वायरस बाहर जो है निर्जीव की तरह कार्य करते हैं और किसी जीव के अंदर होते हैं तो वो सजीव की तरह कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, कुछ गुण निम्न तालिका में सूचीबद्ध, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद करना है, तो हमें इनके जो है भेद लिखना है कि कौन सा कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैं कठोरता की बात करूं, हार्डनेस की बात करूं, तो जो है इसमें हम लिखेंगे कि ये बहुत कठोर होते हैं और ये जो है कम कठोर होते हैं। अज्ञान अघात वर्धनता का मतलब क्या होता है कि पीट कर जो है उसको हम पतली चादरों में बदल देते हैं, तो ये होते हैं, ये अघात वर्धनीय नहीं होते हैं। तन्यता में ये होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का संचालन ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो इस आधार पे जो है हम इनको लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद प्रश्न क्या है, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, तो इसमें सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी के बेसिस पे धातु और अधातु, तो हमें यहाँ पे लिखना है इसको इस प्रश्न में। तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे कि धातु का क्या होता है, अधातु का क्या होता है, चार पॉइंट जो दे रखे हैं ना। तो जैसे पहला पॉइंट है, हम पहला पॉइंट देखेंगे कि भाई कठोरता, तो हम लिखेंगे धातु जो है बहुत कठोर होती हैं, अधातु जो है कठोर नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें आघात वर्धनता, मैलेबिलिटी, तो धातु जो है वो पतली चादरों में बदल जाएंगी पीटने पर, अधातु नहीं होती। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट। इसी तरह से तीसरा हमारा पॉइंट था इसके अंदर डक्टिलिटी, तन्यता, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग, नॉन मेटल्स कैन नॉट। और चौथा पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। आखिरी प्रश्न जो है, मेटल और नॉन मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, मेटल्स आर यूज टू मेक कुकिंग वेयर्स, इन मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक वायर, फ्रिज एक्सेट्रा, शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉर बिल्डिंग मटीरियल, इन मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, नॉन मेटल्स आर यूजफुल फॉर सो मेनी प्रोसेस पर्पजेज लाइक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, एज अ रॉकेट फ्यूल, टू मेक पेंसिल, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे जो हैं प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। पहला प्रश्न है द मेटल विच इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो आपका मेटल हम यूज़ करते हैं, वैसे तो सिल्वर बेस्ट होता है बट वो कॉस्टली है, तो हम इसके अंदर जो है कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। द मेटल विच इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, तो गोल्ड एंड सिल्वर आ जाएगा आपका इसके अंदर। इसके बाद तीसरा है आपका द नॉन मेटल विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, NPK के नाम से फर्टिलाइजर जो है खेत में डाला भी जाता है। एंड द नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, तो इसमें आप लिखोगे क्लोरीन। तो इस तरह से आपके पूरा जो है पेपर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए खुद आंसर्स लिखने की, क्योंकि जो है आप इसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू।